रांची में 21 से 30 अक्टूबर तक होने वाले जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के लिए मध्य प्रदेश टीम में मंदसौर की हॉकी खिलाड़ी साहू डाबर का चयन हुआ है। साहू ने झुकी झोपड़ी से उठकर यहां तक का सफर पूरा किया है। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा के लिए माँ के साथ जाती थी, पिता नहीं है। टूर्नामेंट में जाने तक के लिए उन्हें उधार लेने पड़ते थे। साहू मध्य प्रदेश प्रतियोगिता में अपनी शुरुआत 22 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ से होने वाले मैच से करेगी। उसके बाद 23 और 25 अक्टूबर को हिमाचल और ओडिशा में से मैच होंगे। और वहीं साहू के हॉकी कोच अविनाश उपाध्याय और रवि गोपरगांवकर बताते हैं कि साहू हॉकी की बहुत अच्छी प्लेयर है। कम उम्र में ही साहू ने हॉकी में अच्छी सफलता पाई है। उसकी मेहनत और लगन ऐसी ही रही तो वो बहुत आगे तक जाएगी। साहू का हॉकी से लगाव देख बाकी लोग भी उसे मदद करने लगे। जिन घरों में साहू और उसकी माँ काम करती है वहां से भी साहू को मदद मिलने लगी। साहू को जब जब भी मदद की जरूरत होती है तो जिला हॉकी एसोसिएशन उसकी पूरी मदद करती है। मेरा नाम साहू डावर है। मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी एक दिन झंडा वंदन करूंगी। मैंने झंडा वंदन करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ तक खेले और क्या परिस्थिति? मैं नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ। तमिलनाडु, रांची, केरल, आसाम में कई जगह खेल चुकी हूँ। और घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। क्या करते हैं घर वाले? मम्मी पिताजी की तो डेथ हो गई बहुत साल पहले। मम्मी है जो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं। साथ में मैं भी जाती हूँ हाथ बर्तन में। आप भी झाड़ू पोछा बर्तन में? हाँ। भाई? भाई दो छोटे हैं, वो भी मेरा सपोर्ट करते, वो भी काम करने जाते सुबह। और आपके बड़े भाई भी? बड़े भैया की डेथ हो गई। कितना टाइम हुआ? 2 साल पहले। फाइनली साहू चाहते क्या? मैं तो, मेरा बस एक ही सपना है कि मैं टोक्यो ओलंपिक में खेलूं और मेरा और मम्मी का और साथ में देश का नाम रोशन करूं। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।